नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करुछु आथुरी प्रथमे हेडलाइंस बढ़ला केन्द्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 17-28% को वृद्धि नहीं घोषणा जुलाई 1 लागू हेबो वर्धित महंगा भत्ता केन्द्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रामीण विकास पर खर्च हेबो 9800 कोटी टंका 2025-26 पर्यंत जारी रहिबो राष्ट्रीय आयुष मिशन खोल बार हजार नू आयुष हेल्थ सेंटर 6 आयुष कॉलेज और 12 पीजी इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठा पीसी मस्टअप नारा उड़ा धजिया नुआपड़े खोलाखोली पीसी कारबार ठिका काम पर पीसी भागवंटा करुंट जंत्री सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल राजधानी में पुणी धड़ाजहर चिंता केसुरारू 550 ग्राम ब्राउन सुगार जबत 2 ग्राम नगद 34,80,000 टंका जबत कला शहीदनगर पुलिस मुख्य ड्रग पेडलर फेरार ओडिशार केउठारे लुचिछन्ति आतंकवादी पूर्व 2019 को एनआईए करिथिला अलर्ट ओडिशा आसाम झारखंड में बढ़ुछि जमातुल मुजाहिदीन गतिविधि गुइंदा विभाग पाखरे अछि ना नाही खबर ताकु नै उठला प्रश्न वर्षा अनुभव विवाद मामला विवाह विच्छेद जिद्रे अनुभव वर्षा चाहूनाते डिवोर्स मध्यस्थता बंद करिबा पई अनुभव का आवेदन बीजेडी सांसदों नारे लगी दफा 498 ए सेवा कम टिकस बेसी बिल बोझ सह अघोषित बिजुली काट को नहीं बीजेपी हल्ला बोल आज 20 जाए राज्यव्यापी विद्युत अफिस आगे प्रतिवाद कर दल राज्य सरकार को नीति को नहीं उठाला प्रश्न एवं नयागढ़ कुनी झील परी मामला को पूरला बर्षे न्याय अपेक्षा लड़े जारी रखिंट परीर बापा मा एसआईटी तदंत उपर नहीं भरोसा सुप्रीम कोर्ट रे सीबीआई तदंत दावी करछि परिवार आसे संपूर्ण खबर को केन्द्र सरकारी कर्मचारी को केन्द्र सरकार को बड़ उपहार बढ़ला केन्द्र कर्मचारी को महंगा भत्ता 11% बढ़ला महंगा भत्ता केन्द्र कर्मचारी को महंगा भत्ता 17% वृद्धि कर 28% कर प्रधानमंत्री अध्यक्षत में बसी केन्द्र कैबिनेट बैठक एने निष्पत्ति जुलाई 1 रु लागू हेबा महंगा भत्ता गत वर्ष कोरोना जो डीए वृद्धि उपरे रोक लगा जायतिला डीएर तीनोटी किस्ती उपरे रोक लगा जायतिला आज निष्पत्ति अनुजाई 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 रु लागू होइतिबा तीनोटी किस्ती उपरे प्रतिबंधक हटाई दिया जायछि एही प्रतिबंधक हटा जिबा परे समस्त तीनोटी किस्ती रे मोट 11% वृद्धि हेबो अर्थात डीए हार वर्तमान 17% रु 28% को वृद्धि पाइब सरकार को निष्पत्ति केन्द्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को उपकृत करेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं पेंशनर्स हैं उसको लाभ भी मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आज केन्द्र कैबिनेट बैठक होई कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति सूचना देते केन्द्र मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट ग्रामीण विकास उपर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सरकार ग्रामीण विकास पर 9800 कोटी टंका खर्च हेबो कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार 2025-26 पर्यंत राष्ट्रीय आयुष मिशन जारी रहिबो एहा सह 12,000 नुआ आयुष हेल्थ सेंटर खोलिबो 6 आयुष कॉलेज और 12 पीजी इंस्टीट्यूट प्रतिष्ठा हेबो सेपरि पुराना हॉस्पिटल को अपग्रेड कराजिबो के किसान पशुपालक डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहां पर हम चला रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहां केंद्र सरकार खर्च करेगी वह करेगी वहीं पशुपालन क्षेत्र में
अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा, इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूंगा। तीन प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। पशुधन विकास योजना, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय का आय भी बढ़ सके, और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिजीज के लिए, जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल है, इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। पिसे मस्टअप नारार उड़ीला ध्वजा, नुआपड़े खोला खोली पिसे कारपार, एक ठिका काम पर पिसे भागबंटा करुछंती चंत्री। भलकर देखंतु एही विजुअल को, चली भागबंटा चौकी उपरे बिड़ा बिड़ा टंका टंका गणुवा एही दुई जन हेले सिनापाली ब्लकर दुई जन जंत्री नारायण साहू और उपेन्द्र तिहाड़ी। ब्लक रे थिबा वीडियो मुख्य किराणी आसिस्टेंट इंजीनियर को नाने ठिकादार को ठारु नेउछंते पिसे। आउ थरे सुनंतु केमिति चली छु पिसे कारपार, पिसे देले पैसा मिलिबो नहले नाही। जिल्ला रे 18-25% पिसे कारपार हेउथिबा अभिजोग आनिछंते ठिकादार। राजधानी भुवनेश्वर केशोर अंचल ब्राउन सुगार जबत, जार आनुमानिक मूल्य 55 लाख टंका हेबो बोली जणा पड़िछे। यहा सह नगद 34,80,000 टंका जबत करा जायछे। एथिरे जड़े युवक और जड़े महिला गिरफ होता बेले मुख्य ड्रग पेडलर फेरार अच्छे। तेज कौन से सूत्र खबर पाई शहीद नगर पुलिस आज अतर्कित भाव चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ समय किसी धला जहर नष्ट कर दि जा खबर आसुच्छे। तेज मुख्य आसामी को एबि खोजुच्छी पुलिस कमिशनर कहते गत 5 मास ट्विन सिटी पखापाखि 5 kg 100 ग्राम धला जहर जबत हो सारा। कमिश्नरेट पुलिस रो जो नार्कोटिक्स विरोधी अभियान जोरदार जारी रही, अभियान रे आमर क्विक एक्शन टीम रो संगे शहीद नगर पुलिस मिलित तो भाव में चढ़ऊ करी शहीद नगर थाना रो केसुरा अंचल रो गोटे घरे चढ़ऊ कला परे से घरु 550 ग्राम ब्राउन सुगर एवं मोट 34,80,000 टंका जबत करते। जबत सहित जड़े महिला एवं जड़े युवक को गिरफ्त करते।
ओडिशारे केउठारे लुचिछंती आतंकवादी कौन से गतिविधि ओडिशा को जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकवादी आसीथिबा नै कोलकाता एसटीएफ अलर्ट करिबा परे ताकु नै बढ़ी चिंता पूर्वरु एनआईए मध्य ओडिशा को अलर्ट करिथिला 2019 अक्टोबर एने तालीम पुलिस अफिसर को दिया जाइथिला परे एने एनआई रो मुख्य ओडिशा आसाम और झारखंड में जमात उल मुजाहिदीन रो गतिविधि बढ़ुवा नहीं आलर्ट करते कोलकाता पुलिस रो स्पेशल टास्क फोर्स बांग्लादेश आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन रो तीनि जन संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त करिछे पुलिस को ही आतंकवादी देइथिबा सूचना अनुसार ओडिशारे लुचिछंते किछि आतंकवादी कोलकाता रो गिरफ आतंकवादी हेले नजीउर रहमान शेख सवेर और रवि एमानंक मध्यरु दुई जन सहयोगी शेख सकील और सलीम मुंसी फरार अछंते एमाने कोलकाता हरिदेवपुर थिबा एक भड़ा घरे नकली आधार कार्ड करी रहुथिले फरार होइतिबा सलीम मुंसी एमानंकु घर एवं आधार कार्ड चोकाइथिला एमाने निज परिचय सडा छत्ता मरामती करिबा कारीगर एवं फल व्यवसायी भाबे काम करुथिले युवकंकु निज संगठन रे सामिल करिबा पई प्रवर्तौथिले पूर्वरु गिरफ होइतिबा निज सहयोगींकु छडाइबा पई पुलिस उपरे आक्रमण करिबाकु योजना करुथिले 2014 बर्धमान विस्फोरण रे एमानंक संप्रुक्ति थिला चढ़ाव बेले अनेक बोमा तैयारी करिपार सामग्री जबत हो वर्षा अनुभव ना बहुत विच्छेद चाहूना वर्षा हेले बहुत विच्छेद जिद्रे अनुभव आपोस बुझापणा मध्यस्थता को बंद करने आवेदन कले अनुभव आज उभय अनुभव एवं वर्षा फैमिली कोर्टे हाजर होते फेरिबा परे बीजेडी सांसद अनुभव महांती कहिछंती एहा पारिवारिक विवाद थिबारु मु किछि कहिबा ठीक हेबनी वर्षा अदालत अवमानना करथिबा अभिजोग करिछंती अनुभव जहाँ को खंडन करिछंती अनुभव का वकील कहिछंती समस्त सहयोग करुछंती वर्षा दुई तीनोटि सेसन रे मध्यस्थता सरे नाही एबे मध्य आपोस समाधान पई आशावादी आसंता काली पुणी फैमिली कोर्ट रे हेबो सुनाणी पूर्वरु अनुभव को नारे घरै हिंसा अभिजोग आनिथिले वर्षा ता सहित दिल्ली रे जने महिला संपर्क में पिटिशन भी उल्लेख करते वर्षा जहाँ को नहीं से बिवाद बढ़ीला मुदिन भी कही आज भी कहूँ मुझ मोर पर्सनल लाइफ विषय किसी कहना चाहूनी आई वुड रिक्वेस्ट माय लर्नेड काउंसिल टू काइंडली से किसी पचारे काउंसलिंग प्रोसेस जो चली सरला काउनसिल जो कहते हैं सैन करूँ जो रिपोर्ट टाक से वर्षा मैडम मना करते कि आम सैन करूँ एंड इज बायस प्रोसेस काउनसलिंग विश्वास नहीं तेणु आम गोटे मेमो फाइल कलु कि गोटे कोर्ट प्रोसेसटा को बायस कहवा ओपनली एंड वेरी अनकनसीय मैंने अनकोटियसली एंड अभद्र भाव से तो सही गोटे मेमो फाइल कर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड यहाँ को जब से प्रोसेसटा को मानुना विश्वास नहीं प्रोसेसटा क्लोज करेंगे गोटे मेमो फाइल कर मोटा से डिसाइड कर रिपोर्ट फाइल करेंगे फैमिली कोर्ट का फैमिली कोर्ट मैटर आस आज भितर दीर्घ आलोचना चलला आई जो दरखास्त देते अनुभव जे कन्सिलेशन क्लोज कर दि जाऊ से तार नियम नुहे मु तार कॉपी पाई मु तार ऑब्जेक्शन देवी आउ हियरिंग हबो हियरिंग हला परे जहाँ पुनी ऑर्डर हबो आउ आ परे पुनी नेक्स्ट डेट को रखिले आउ अनुभव बोधे पार्लियामेंट सेशंस पाई चली जिबे दिल्ली तेणु दिल्ली को फेरिले जहाँ हबो आगे रही आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकावा किंतु समय छक ब्रेक ब्रेक परे स्वागत केन्द्रापड़ा आली अंचल रे दलित परिवार उपर आक्रमण प्रसंग घटना को 13 दिन बीती थिले बे पुलिस पंचारु बाहर आक्रमणकारी बीजेडी नेतांक संप्रक्ति थिबारु पछघुंचा देउछे पुलिस प्रशासन एपरिके स्थानीय सरपंचक इंगित व उपस्थित रे सबु किछि होइतिबा बीजेपी अभिजोग आनिछे सरपंचक पुओ व सहयोगी माने नवकिशोर मल्लिक उपर आक्रमण करिछन्ते किशोर मल्लिक पुओ आली अंचल रे हेउतिबा विभिन्न दुर्नीति विरोध रे सोशल मीडिया रे खुलासा करथिले सेतिपाई तांको मरणांतक आक्रमण अभियोग आक्रमणकारी माने बीजेडी समर्थक एहा सह आली विधायक तथा बीजेडी नेता प्रताप देव सेमानंकु सुरक्षा देउछन्ति बोले अभियोग आनिछे बीजेपी जुलाई 1 तारीख रे नवकिशोर को उपरे होइथला आमर केन्द्रापड़ा जिला आली निर्वाचन मंडली बाळकाटी पंचायत बाळकाटी ग्रामर नवकिशोर मल्लिक जे जने दलित परिवार सदस्य तांको परिवार उपरे से बाळकाटी पंचायतर सेठिकार स्थानीय सरपंच दिवाकर नायक तांको इंगितरे एवं उपस्थितिरे तांकर पुओ
ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେ ଆଳିର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ହରିଶ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି ସେଠିକାର ଆଳି ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇକି ସେଠି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଠିକାଦାର ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତା ସହିତ ଦଳିତ ସାହିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଠିକଣା ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ନିରୀହ ପରିବାର ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନାବାଳିକା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ଘଟଣା। କଟକ ଏସ୍ଏବି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୁନି ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଳା। ସେପଟେ ଏକ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରାଇଘର ବନ ବିଭାଗ। ମାସାଧିକ କାଳ ସାପ ବିଷୟରେ ଜଳା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଳା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସିଡିଏମ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 13 ଭାଷା ଯଥା ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟଲମ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ। କେଉଁ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ ସେ ନେଇ 20 ଅଗଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏନ୍ଟିଏ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ଅପରାହ୍ନ 2ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ତାରିଖ, ସିଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାଫଳ କେବେ ବାହାରିବ ସେ ନେଇ ଏନ୍ଟିଏ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ନିୟମିତ ଭାବେ www.nta.ac.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ନିଟ୍ ହେବା ନେଇ ଜୁଲାଇ 12 କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହା ଚିରାଚରିତ କାମ, ଦେଶର ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଲୋକେ ବାୟୋ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫୁଏଲ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାୟୋ ଫୁଏଲ୍, ଇଥାନଲ୍କୁ ଆଜି ଫୁଏଲ୍ ଭାବରେ ଆଖୁରୁ, ମକାରୁ, ଧାନ ଚାଉଳରୁ ସବୁ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଉଛି, ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମକୁ ବିଦେଶର ତୈଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସୋର୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଏଇ ମାନେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ସରକାର ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଏଲ୍ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବା, ଏ ଦିଗରେ ବଡ଼ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
टॉप माओ नेता रंजित आत्मसमर्पण तेलंगाना पुलिस डीजीपी निकट में आत्मसमर्पण करिछंते हार्डकोर माओ नेता राउला रंजित माओ कैंप जन्मग्रहण कर रंजित माओवादी केन्द्रीय कमिटी सदस्य राउला श्रीकांत पु 2019 डिसेंबर असुस्थता कारण श्रीकांत मृत्यु होता वर्तमान रंजित बाटालियन कमिटर मुख्य तथा माओवादी केन्द्रीय कमिटर सदस्य थिबा कथा तेलंगाना पुलिस पक्ष सूचना दीजिए रंजित किदिन पूर्व ही माओ कार्यकलाप दूर से रही आसुला एवं समाज मुख्य स्रोत में सामिल होगापी आत्मसमर्पण करओ नेता रंजित प्रकाश कर आसिया परवर्ती खबर को आड़प मंडपे विराजित चतुर्थ विग्रह आज सका सका महाप्रभु मंगल आड़ती मैलम तड़प लगी अधर पोछा नीति सर पर अवकाश गोपाल बल्लभ और सका धूप नीति शेष हो सका धूप में बाहरी प्रथम आड़प अभड़ा जहाँ भक्त मैंने बेस खुशी बड़ सिंहार बेश और भोग शेष होगापर आज सका महाप्रभु मंगल आड़ती मैलम तड़प लगी अधर पोछा और अवकाश नीति शेष हो सका धूपरे महाप्रभु खेचेड़ी भोग लगे महाप्रभु अबड़ा पाइबापी भक्तों मध्य प्रबल उत्कंठा रही था आई उत्कंठार एवं परिसमाप्ति घटी आड़प अभड़ापी प्रशासन पक्ष समस्त व्यवस्था कर गत वर्ष भली चलित वर्ष टोकन व्यवस्था हो बसस्टाण्र उत्तर द्वार निकट में भक्तों पर दुईट सेड कर भक्तों पर पर्याप्त महाप्रसाद थे यह सुलभ मूल्य मिल सुआर महास्वर निजोग पक्षर कहु तेज आड़प मंडपर तीन ठाकुर अवस्थान कर भक्तों दर्शन पर संपूर्ण बारण कर अघोषित बिजुली काट सह साधारण जनता मुंड में बढ़ी बिजुली बोझ विद्युत परिचालन रे शक्ति विभाग फेल मारिथिबा बेले राज्यर विभिन्न स्थान आसुच्छे पुला पुला अभियोग बिना मीटर में उपभोक्ता पाख को बिजुली बिल आसुथिबा बेले विद्युत संयोग न हो चाषी ना आसी लक्षाधिक टंकार बिल यह आंदोलन पर अंटा भिड़ी राज्य बीजेपी आज ठार् राज्यर सब विद्युत बंटनकारी संस्थार कार्यालय आगे विक्षोभ और प्रतिवाद कर बीजेपी यहसह भित्तिमि सजाड़ापी के अंचल केत काम हो तार श्वेतपत्र देवाक दावी होभोक्ता रिहाती नदे ओएचपीसी भाई संस्था को 5225 कोटीर जलकर छाड़ नहीं सरकार पाखु जवाब मागे बीजेपी समय सर बुलेटिन कोई रखु नमस्कार।